कि महंगाई कहां पे है, और सवाल ये उठता है कि इस जलसे के शोर में शहंशाह मोदी जी शायद उम्मीद करते हैं कि आम आदमी की आवाज दब जाएगी, पर मेरा ख्याल है कि आज जो हमने देखा है प्राइस राइज के मामले में हो, और जिस तरह से आज पेट्रोल और डीजल में के दाम में बढ़त हुई है, टुडे इफ यू सी सर्विस टैक्स हैज येट अगेन सीन एन इंक्रीमेंट टू 15%. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई को ये कहा कि मैंने करोड़ों बीपीएल महिलाओं को फ्री में हमने एलपीजी का कनेक्शन दिया, पर आज हमने देखा है कि एलपीजी का जो वैल्यू है वो अनसब्सिडाइज सिलेंडर हो या कमर्शियल सिलेंडर हो, इट हैज गॉन अप बाय ₹21 एंड ₹37. सवाल ये उठता है कि क्या ये देश, क्या इस देश की आम आदमी इस जलसे के बाद ये नहीं देख पाएगी कि उनकी तरफ कितना अन्याय ये सरकार कर रही है. आज देश बदल रहा है, पर इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि शहंशाह मोदी जी के नियत भी बदल रही है. उन्होंने लोकसभा के प्रचार में बहुत जोर से हर सभा में ये कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कि भ्रष्टाचार के मामले में या वो भाजपा से हो या किसी और पार्टी से हो, मैं जीरो टॉलरेंस प्रैक्टिस करूंगा. पर आज जब से ये सरकार आई है तब से ललित मोदी हो, व्यापम हो, पीडीएस स्कैम हो छत्तीसगढ़ में, आज गुजरात के मुख्यमंत्री की सुपुत्री के नाम पे जमीन हो, उस पे एक और बहुत बड़ा नाम जुड़ गया है, वो है एकनाथ खड़से जी का.